यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से 90 छात्रों से 1600 छात्रों तक पहुंची है, एक नए आयाम स्थापित किए हैं गुणात्मक शिक्षा के और युवाओं को अच्छी शिक्षा देकर साथ साथ में अच्छी खेल की सुविधाएं और कम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन देना, ये अपने आप एक बड़ी सहूलियत है। चौथी एनुअल स्पोर्ट्स मीट पर हजारों विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया, उसको देखकर ही लगता है न केवल शिक्षा बल्कि खेलों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वह हमारा प्रदेश का भविष्य है, वर्तमान है, और इस तरह से जिस तरह से प्रयास पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे कि आने वाले समय में शिक्षा अच्छी मिले, कई यूनिवर्सिटीज हिमाचल में स्थापित हुई, उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया है, हमारी ढेर शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को खेलों के प्रति? मैं युवाओं को यही कहूंगा, नशों से दूर रहें, खेलों के प्रति जागरूक रहें, खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, इस संकल्प को लेकर चलेंगे और युवाओं की जितनी भागीदारी खेलों में रहेगी, तो मोदी जी ने जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया है जिसमें 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा, 50,000 रुपए प्रति महीना हर खिलाड़ी को दिया जाएगा ताकि वो अपनी खेलों के स्तर को सुधार सके और उसको बाकी जीवन में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 8 वर्षों तक सरकार उनकी मदद करेगी, ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं।